नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नैन और आप देख रहे हैं टेक्निकल नैन, जिसमें आपको बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे ऐसे ही टेक्निकल टिप्स और ट्रिक्स के बारे में जो बहुत ही अच्छी या यूँ कहें कि आपने के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित हो सकती है टिप्स और ट्रिक्स। दोस्तों, हम लोग सोचते हैं कि यार टिकटॉक की वीडियो तो आप मतलब हर एक बंदा मतलब कि हर एक चार बंदे पे तीसरा बंदा जो है टिकटॉक की वीडियो बनाने लग गया, मतलब अपने इंडिया में ज़्यादातर टिकटॉक लोग चलाने लग गए हैं। दोस्तों, मैं बताऊँगा कि आप अपना टिकटॉक का वीडियो जो बनाते हो ना, कि जैसे DSLR पे होता क्या है कि पीछे का बैकग्राउंड जो ब्लर हो जाता है एकदम अच्छे तरीके से, तो वो वीडियो थोड़ा सा बढ़िया आती है, उस पर लाइक वगैरह फिर जाती है। बहुत सारे हमारे भाई लोग होते हैं, बहुत सारे दोस्त सोचते हैं कि यार अगर बैकग्राउंड ब्लर हो जाए तो बहुत अच्छा, मैं DSLR ले लूँ तो बहुत अच्छे तरीके से मैं वीडियो बना सकती हूँ। नहीं दोस्तों, आप लोग अपने मोबाइल से ही उस बैकग्राउंड को ब्लर कर सकते हो एकदम अच्छे तरीके से, एकदम सिंपल वे में। मैं आज आपको इस वीडियो के बारे में बताऊंगा, इस वीडियो में बताऊंगा, आप एकदम स्टार्ट से देखिएगा, वीडियो को शुरू से देखिएगा और अंत तक देखिएगा, आपको जरूर इस वीडियो से मदद मिलेगी यार, कि आप एकदम बैकग्राउंड को ब्लर करके एकदम अच्छी वीडियो बना सकते हो। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो जस्ट मेरे इस वीडियो में, कि ये वीडियो जिस तरीके से दिखाई दे रही है एकदम अच्छे तरीके से, कि आपका ये बैकग्राउंड एकदम अच्छे तरीके से ब्लर हो चुका है जस्ट अभी। तो दोस्तों, यहाँ पर जैसा कि आप लोगों ने देखा कि जिस तरीके से कि ये जो वीडियो तो इसका बैकग्राउंड अच्छे तरीके से ब्लर हो चुका है, और अच्छे से मैं आपको बताऊंगा आप भी अपने वीडियो का बैकग्राउंड एकदम अच्छे तरीके से ब्लर कर सकते हो अपने मोबाइल फ़ोन से वो भी। या दोस्तों, आपको इसमें कुछ नहीं करना, बस दो तीन चीज़ें करनी है। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं और हम बताएंगे आपको कि किस तरीके से अपना बैकग्राउंड आप ब्लर कर सकते हो अच्छे तरीके से। दोस्तों, इसके लिए कुछ नहीं चाहिए, आपको 60-70 रुपये खर्च करने पड़ेंगे, मार्केट से एक ग्रीन पर्दा लाना पड़ेगा, ग्रीन स्क्रीन लानी पड़ेगी, ग्रीन या ब्लू ले सकते हो आप अच्छे तरीके से, और उसके बाद आप वीडियो को शूट करके जस्ट आप उस पर्दे से, और मैं बताऊँगा मतलब इसके लिए और क्या क्या चीज़ चाहिए। जस्ट वीडियो शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा एक जानकारी देता हूँ दोस्तों, कि अगर आप पहली बार चैनल को देख रहे हैं अपने चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो अगर शुरू से अच्छी लग रही है तो इस वीडियो को छोटा सा लाइक कर देना यार। फिर दोस्तों, जस्ट आप वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, चलिए चलते हैं सबसे पहले हम लोग काइन मास्टर की ओर, जिससे आप इस वीडियो को बना सकते हो अच्छे तरीके से, मेड कर सकते हो। तो दोस्तों, चलेंगे पहले हम लोग काइन मास्टर पे। काइन मास्टर पे जाने के बाद जस्ट हम लोग यहाँ पे चलेंगे प्लस के आइकन पे, इसमें दिया है 16:9 मतलब 16:9 वाला, इसको सेलेक्ट कर लेना, जो यूट्यूब के लिए बहुत ही बेस्ट होता है। तो दोस्तों, इसके लिए कुछ नहीं करना, आप यहाँ पे जाएंगे मीडिया पे, मीडिया पे जाने के बाद जस्ट आपको कुछ नहीं करना, उसके पहले आपको एक काम थोड़ा सा करना था कि आप गूगल से जाकर कोई भी एक इमेज नेचुरल बैकग्राउंड ब्लर इमेज को आप डाउनलोड कर लोगे, बस सिंपल इतना ही आपको काम करना और कुछ नहीं करना दोस्तों। और यहाँ पर आप जाकर उसको लेकर यहाँ से आप ओपन करा लेंगे अच्छे तरीके से, जस्ट यहाँ पर ये कर देंगे। उसके बाद आप जितना मतलब 15 सेकंड या 20 सेकंड का जितना भी वीडियो बनाना चाहते हो आप उसको इतना खींच कर बड़ा कर देंगे। उसके बाद यहाँ से आप उसको ये कर देंगे, जस्ट उसके बाद कुछ नहीं करना, आपको जो क्रॉप का ऑप्शन दिया है यहाँ पे, क्रॉप करने के बाद आप जो साइज़ वगैरह है इसको अच्छे से फिट कर लेंगे, कि यार मतलब कि कहीं गड़बड़ ना होने पाए, एकदम अच्छे तरीके से आपका ये साइज़ फिट रहे अच्छे से। तो यहाँ पे आप क्रैप के ऑप्शन में जाएंगे, जस्ट इसको अपना एडजस्ट कर लेंगे अच्छे तरीके से, कि मतलब किस तरीके से कितने भी क्या एडजस्टमेंट रखना चाहते हो, मतलब कितना क्या लेना चाहते हो एकदम बैकग्राउंड ब्लर वाली एकदम अच्छे तरीके से। तो इसको लेकर यहाँ से ओके कर देंगे, ओके हो जाएगा, जस्ट यहाँ पे देख सकते हैं अच्छे तरीके से मेरा ये काम करने लग गया है। आप कुछ नहीं करना, अब आपको लेयर पे जाकर, लेयर के यहाँ पर मीडिया का एक ऑप्शन मिलेगा, मीडिया के ऑप्शन पे जाने के बाद जस्ट आपको यहाँ पे अपनी वीडियो जो शूट करे हो दोस्तों, वो शूट कैसे करनी है, एक मतलब जो मैंने बताई थी ना वीडियो में, कि एक ग्रीन स्क्रीन या नीला पर्दा या हरा पर्दा आपको लेना लेना है, वहीं पर आपको वीडियो को जाकर शूट करना है। जिस तरीके से जो भी आपको एक्ट करना है, जैसा भी एक्ट करना है आपको, वहाँ पर आप जाकर एक्ट कर सकते हो एकदम अच्छे तरीके से, सिंपल वे में एकदम आसान तरीके से मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, आप जस्ट देख सकते हैं। उसके बाद कुछ नहीं करना दोस्तों, यहाँ पे जो वीडियो आप शूट करके रखे हो वही वीडियो को एकदम स्क्रीन के बराबर ले आएंगे यहाँ पे जस्ट। उसके बाद कुछ नहीं करना आपको, मतलब जहाँ से भी जिस वीडियो को आप लेना चाहते हो उस वीडियो को वहाँ से दोस्तों, इतना करने के बाद आपको कुछ नहीं करना, आपको जाना है इस जिस वीडियो पे आप लेयर पे अपना क्लिक कर देंगे, उसके बाद जस्ट आपको नीचे आना है। उसके बाद आपको कोरमा की का एक ऑप्शन मिलेगा, कोरमा की पे आप चले जाएंगे, उसके बाद इसको इनेबल कर देंगे अच्छे तरीके से, जस्ट यहाँ पे देख सकते हैं मैं इनेबल कर दे रहा हूँ इसको, यहाँ पे ये इनेबल हो चुकी है। और उसके बाद अब आया बात कि कलर वगैरह कैसा सेट करें इसका, तो दोस्तों मैं बताऊँगा आपको कैसे कलर एडजस्टमेंट कर सकते हो आप अच्छे तरीके से, और किस तरीके से आप इसको बढ़िया अच्छे से सेट कर सकते हो एकदम बढ़िया तरीके से। थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको, बस कुछ नहीं करना, अच्छे से एडजस्टमेंट कर देंगे एकदम बढ़िया आ जाएगा आपको यहाँ पर। तो देख सकते हैं यहाँ पे कलर वगैरह थोड़ा सा अच्छे से सेट हो चुका है हमारा, और हम इस वीडियो को थोड़ा सा साइड में लेने चाहते हैं, कि यहाँ पे मतलब लेने और आपको अच्छे तरीके से दिख सके। तो यहाँ से आप देख सकते हो मैंने इसका एडजस्टमेंट अच्छे से कर दिया, अगर नहीं है थोड़ा सा टाइम लगेगा, आप अच्छे से इसको कर लेंगे एकदम हो जाएगा, कुछ नहीं दोस्तों एकदम बढ़िया अच्छे तरीके से या आप इसका एडजस्टमेंट यहाँ से कर सकते हो एकदम बढ़िया तरीके से। और इसके बाद कुछ नहीं करना आपको, जस्ट
जैसा आप एक बार वीडियो को जस्ट प्ले करके देख लेंगे कि मतलब यहाँ पे किस तरीके से ये दिखाई दे रही है। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, उसके बाद जस्ट आपको कुछ काम नहीं करना, यहाँ पे मतलब ये चीज़ें मतलब बन चुकी हैं, यहाँ से आप देख सकते हो अच्छे तरीके से। और उसके बाद जस्ट आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है इस तरीके का, इसके ऑप्शन में जाइएगा और जाने के बाद जस्ट यहाँ से क्लिक कीजिएगा उस वीडियो पर। वीडियो करने के बाद यहाँ शेयर का ऑप्शन मिलेगा आपको, शेयर के बाद एक्सपोर्ट कर दीजिएगा। एक्सपोर्ट करने के बाद आप वहाँ पे अपलोड करके, और अपलोड करने के जस्ट बाद वहाँ से आप जिस टिकटॉक पे अपलोड करोगे ना, वहाँ से अच्छे से जाकर आप एडिट कर लोगे, वहाँ से एडिट हो जाएगी आपकी वीडियो। मैं आपको दिखा रहा हूँ उस वीडियो को, मैंने कुछ देर पहले ही एक वीडियो बनाई थी, जस्ट मैं आपको ओपन करके दिखा रहा हूँ, यहाँ पे आप इस वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो जरूर अच्छी लगी होगी, यार वीडियो अच्छी लगी थोड़ा सा लाइक करना या दोस्तों तक जरूर शेयर करना, चैनल पहली बार आए अपने चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। दोस्तों ये इस वीडियो से आपको जरूर कुछ ना कुछ तो मतलब ऐसा टॉपिक जो मैंने उठाया था कि मतलब बैकग्राउंड कैसे ब्लर कर सकते हैं, आप जरूर इसको ट्राई कीजिएगा अपने घर पे। कुछ ज़्यादा खर्च नहीं करना यार, 60-70 रुपए खर्च करना है, आप कहीं भी दुकान से जाकर, कहीं भी दुकान से यार, कपड़े की किसी भी दुकान से आप ये चीज़ को ले सकते हो, आप अच्छे तरीके से अपना वीडियो बना सकते हो। मतलब ऐसा लगेगा यार वीडियो को, जैसे मान लो आप अपने घर में वीडियो शूट करोगे, लगेगा कि कहीं मतलब जंगल में या कहीं मतलब अच्छी जगह पर आप इस वीडियो को शूट करके लाए हैं। कुछ नहीं करना आपको, जस्ट मतलब आपने वीडियो तो देख ही लिया है। चलिए दोस्तों फिर मुलाकात होगी इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ये अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।